नमस्कार साथियों, अल्फ़ाबेट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच। और अल्फ़ाबेट टॉपिक में मैंने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया है, तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड में आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसमें मैं एक्सरसाइज में आपको टाइप फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, जो पार्ट सेकेंड है उसमें देखिए। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अपन ने, मैं रिकेप दिखाता हूँ आपको एक बार। रिकेप में 1 से लेकर 26 तक जो लेटर हैं उनके नंबर्स अपन ने याद किए हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4, जेड यानी 26, एल यानी 12, एम यानी 13, के यानी 11, इस तरह से अपन को याद किया है। उसके बाद फर्स्ट हाफ 1 से लेकर 13 तक, सेकेंड हाफ 14 से लेकर 26 तक, ये अपन ने याद किया है। फिर इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट निकालना याद किया है। जैसे मान लो 1 और 26 टोटल कितना हो रहा है 27, यहाँ पर 2 और 25 टोटल कितना हो रहा है 27, ये चीज़ अपन ने यहाँ पर सीखी है। ये चीज़ आप अच्छे से देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे, रिकेप के लिए पार्ट फर्स्ट देख लेंगे अल्फ़ाबेट। चलिए टाइप फर्स्ट की बात कर लेते हैं, किस तरह से प्रश्न यहाँ पर आते हैं। पहला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बिल्कुल बिल्कुल स्लो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ आते आते बहुत टफ हो जाते हैं प्रश्न, यानी इनका लेवल यहाँ बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा वर्ण कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला किधर से लिखते हैं, पहले बायां दायां ज्ञात कर लेते हैं। ये है इधर का हिस्सा बायां, इधर का हिस्सा दायां, यानी ये तो लेफ्ट और ये राइट। सर कैसे बताया आपने, देखो ये मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा बायां दायां कौन सा, जो मेरा बायां है अगर ऐसे कर लेता हूँ मैं, तो मेरा बायां हिस्सा बायां, ये बी बन रहा है यहाँ पर, ये बी तो बायां, और यहाँ पर डी बन रहा है तो ये दायां, या फिर ऐसे करके लेफ्ट बनता है या एल बनता है तो ये लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट यहाँ पर आ गया और ये राइट यहाँ पर आ गया। तो लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, ए बी सी डी की। ठीक है, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा वर्ण कौन सा होगा। अपन लिखते किधर से हैं, ऐसे लिखते चलते ना, ए बी सी डी जेड तक, तो बाएं से इधर से होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अल्फ़ाबेट में पांचवा वर्ण कौन सा होगा। तो आपको पता है सबको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा कौन सा होगा, ए बी सी डी ई, तो ये सी डी का सी का तो क्या 4, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ई का 5। सर आपने तो ए बी सी डी बोल के बताया, सर वो आपने ट्रिक बताई थी वो कहाँ गई, वो ट्रिक यहाँ आएगी, ई जे ओ टी वाई, और ई का मतलब क्या होता है 5, तो पूछ तो 5वां ही रहा है वो, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पांचवा वर्ण कौन सा हो गया, ई। बिल्कुल पहला यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई, पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां वर्ण कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से इधर से बात करेंगे, यानी जेड से, किधर से बात करें, जब भी बाएं से ही बात की जाएगी तो ऐसे, अगर सही साथ लिखी हुई है तो, और दाएं की बात की जाएगी तो इधर से, इधर से 9वां वर्ण कौन सा होगा, इधर से 9वां कैसे निकालेंगे, इधर से 9वां निकालने के बाद अगर मैं ए बी सी डी को ऐसे लिखता हूँ, ए से जेड तक, और लिखता हूँ मैं ए से जेड तक, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर ए का मान 1, जेड का मान 26, टोटल कितना हो रहा है 27, जेड का मान 26, ए का मान 1, टोटल कितना हो रहा है 27। इस तरह से यहाँ पर अगर हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां वर्ण कौन सा होगा। इधर से 9वां वर्ण निकालना है तो अपन इधर से 9वां निकालने के बजाय अगर अपन ऐसे लिखें ए से, अगर इसमें अपन 9वां देखेंगे इधर से ए बी सी डी करके, तो 9 पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, 9 पे क्या आ जाएगा, आई। और 27 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, देख लो 18 में 9 जोड़ के देख लो, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, असल का लगा 2, तो 18 पे कौन सा आता है आप देख सकते हैं, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। तो इधर से अपन लिखते चलेंगे, तो इधर से अपन जब लिखेंगे इसको तो 18वें नंबर पर होगा, बाएं से 18वें पे, और दाएं से कौन से नंबर पर हो जाएगा, 9वें नंबर पर हो जाएगा। सर आपने कचरा कर दिया, सही तरीके से समझाओ। ठीक है, सही तरीके से समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे प्रश्न को समझ रहे हैं दोबारा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां वर्ण कौन सा होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला अपन लिखते हैं ए से लेकर जेड तक। कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लेकर जेड तक, ये बाएं से हो गई, तो अगर मैं इसको इधर से नहीं लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लेकर जेड तक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 का मान तो 1, जेड का मान 26, तो कितना हो गया 27, यानी इनमें से किसी भी लेटर का आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 27 आ जाएगा, यानी 27 आने का मतलब ये हुआ कि इधर से दाएं से पूछ रहा है, दाएं से 9वां निकालना है, इधर से 9वां निकालने के लिए, इधर से 9वां अगर अपन इसको जेड से ज्ञात करते हैं तो अपन को निकालने में दिक्कत आएगी, जेड के बाद वाई एक्स, k
कैसे बोलेंगे, नहीं आता बोलना, लेकिन ए बी सी डी तो बोल सकते हैं इधर से आप। तो इसको ऐसे लिख लेंगे आप, लिखने के बाद इधर से नौवा कौन सा आ जाएगा, नौवे नंबर पर आई आ जाता है, नौवे नंबर पर कौन सा आ जाता है आई। और एक दूसरे के अपोजिट लिखी हुई हैं, तो नौ का अपोजिट क्या होता है, मैंने वहाँ पर आपको याद करवाया था आई आर, इंडियन रेलवे आई आर, तो आई का अपोजिट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आप चाहें तो ए बी सी डी लिख करके आप आराम से बैठ करके चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दूसरे का, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नौवा वर्ण कौन सा होगा, आर होगा। ये दाएं की जगह अगर बायां कर देता है तो बाएं से नौवा कौन सा होगा, तो आई होगा, बाएं से आई होगा, ठीक है। और दाएं से कौन सा हो रहा है, नौवा हो रहा है। और कह सकता है कि बाएं से नौवे के विपरीत कौन सा होगा, तो फिर भी आर होगा। ऐसे से अपन पाँचवें का विपरीत निकालते हैं, तो पाँचवा क्या है, ई, और ई का ई वी होता है, तो ई का मतलब तो कितना होता है पाँच, और वी का मतलब कितना है वी टू आवर टू, पाँच बाईस कितने हो गए, सत्ताईस, यहाँ पर निकलते हैं। दो प्रश्न हो गए, अगर लिखना चाहते हैं आप तो वीडियो को पुश करके यानी रोक करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पाँचवें के दाएं सातवां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पाँचवें के दाएं सातवां, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक बाएं से पाँचवा, इधर से पाँचवा कौन सा होगा, ई, के दाएं सातवां, के दाएं सातवां। साथियों यहाँ पर के और से को समझना है, के दाएं और से दाएं, से को आप सहित लेकर के चलेंगे, जैसे ई लिखा हुआ है तो इसको भी गिनना पड़ेगा, इसको एक गिनेंगे, से लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, से अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाँचवें के दाएं, अगर के लिखा हुआ है तो को छोड़ करके गिनने, जैसे मान लो ई लिखा हुआ है इसको छोड़ करके गिनना, से एक दो तीन चार और पाँच, ई एफ जी एच आई और जे यहाँ पर आ जाएगा, ये पाँचवा आ जाएगा। कब आएगा ये, जब लिखा हुआ है के दाएं, लेकिन लिखा होगा से दाएं, तो आप क्या करेंगे फिर इसको, इसको गिनेंगे एक दो तीन चार और पाँच, फिर यहाँ पर आई यहाँ पर आ जाता है। तो ध्यान रखना, और से और के चक्कर में आपको उलझना नहीं, इनसे बच करके रहना है, नहीं तो आपका प्रश्न रास्ते चलते गलत हो जाएगा, और जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्ट जो ऑप्टेक होंगे, उन ऑब्जेक्ट जो उनमें ऑब्जेक्ट जो होंगे, आपके ऑप्शन जो होते हैं उन ऑप्शन में ये वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो गलती ना करें, सावधानी पूर्ण करें। तीसरा प्रश्न समझ में आया, अंग्रेजी वर्णमाला एक बार और देख लो, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पाँचवा, बाएं से पाँचवा कौन सा है, ई, और ई के दाएं पाँचवा, के दाएं, तो पाँच में पाँच जोड़ दो कितना हो गया, दस, दस में क्या आ जाएगा, जे, और से आ जाएगा तो चार जोड़ दो, से आ जाए तो चार जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा। एक इसको सहित कर लेते हैं, ये हो गया प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। प्रश्न नंबर तीन के बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर चार, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बीसवें के दाएं तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखी जाती है, दाएं से इधर से बात की जा रही है, दाएं से बीसवां, इधर से बीसवां कौन सा होगा, यानी इधर से बीसवां कौन सा होगा, दाएं से बीसवां, देखो जल्दी से इधर से जो सातवां होगा, क्योंकि बीस और सात ही तो थे सत्ताईस, तो सातवां क्या है, जी सेवन बताया था मैंने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दाएं से बीसवां कौन सा हो रहा है, दाएं से बीसवां, दाएं से, दाएं साइड से बीसवां कौन सा है, जी, जी के दाएं। अब ये जी हैं, इसका दायां बायां किधर होगा, वही इधर बायां है, इधर दायां है, के दाएं, ये रहा के दाएं, तो इसको छोड़ करके एक दो और तीन आगे बढ़ना है, के दाएं, के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, एच आई और जे, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, जे यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा, एक दो तीन। से दाएं की बात करते हैं अपन, तो वही एक ये दो और तीन, तो यहाँ पर क्या जाता, से दाएं में क्या जाता, आई आ जाता, और के में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अगला प्रश्न है, बाएं से तेरहवां कौन सा होगा, बाएं से तेरहवां, तो डायरेक्ट बाएं से तेरहवां मैंने बोला, एक से लेकर तेरह तक, तो बाएं से तेरहवां कौन सा, डायरेक्ट यम यहाँ पर आ जाएगा। दाएं से तेरहवां कौन सा होगा, दाएं से तेरहवें की बात की जाएगी तो दाएं से तेरहवां कौन सा होगा, क्या एम होगा, अगर एम होता है तो यम, देखो दाएं से तेरहवां कौन सा होगा, यन होगा, यन कैसे होगा, तेरह प्लस चौदह कितने हो गए, सत्ताईस, यानी इधर से अपन लिख रहे हैं, इधर से अपन लिख रहे हैं
बी से लेकर जेड तक, इधर लिख रहे हैं ए से लेकर जेड तक, तो यहाँ पर एम, यहाँ पर आ जाएगा एन, तो इधर से 13 तो ये और इधर से 13 ये, तो दाएं से इस प्रश्न में पूछा है दाएं से, तो इसमें एन आ जाएगा, इसमें पूछा है बाएं से तो इसमें एम आ जाएगा। ये यहाँ पर दोनों प्रश्न हो गए। आप कहेंगे सर इतने इजी प्रश्न दे रखे हैं आपने, इजी नहीं है, ये शुरुआत है, इसलिए आप लोगों को लपेटने के चक्कर में लगाऊं कि आप लोग लगे कि हाँ नहीं मेंटल इजी है। इसलिए अब यहाँ देखना, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 20वां वर्ण कौन सा होगा। यदि यदि लगा दें यहाँ पर, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 20वां कौन सा होगा। प्रथम अर्धांश क्या है अपना, 1 से लेकर 13 तक, यानी ए बी सी डी ये जो है इसको उल्टा लिखा जा रहा है, तो उल्टा इस तरह से लिखेंगे अपन इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये यम, उल्टा लिख दिया। उसके बाद अगला अर्धांश लिख देंगे अपन यहाँ से, एन ओ पी क्यू आर एस जेड तक आ जाएगा, ठीक है। प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 20वां कौन सा होगा। इधर से 20वें की बात की जा रही है, इधर से 20वें की बात की जा रही है, इधर से 20वां कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर अपन इसको उल्टा लिखते, पहले सीधा मान लेते हैं कि ए से लिखा हुआ है तो इधर जेड तक लिखा हुआ है, तो यहाँ ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है, इधर से 20वां कौन सा होगा, 20वां यहाँ से टी होगा और टी का अपोजिट क्या होता है जी टी, तो जी पर बात आके रुक जाती है। अब जी कौन सा है, 7वें नंबर का है, तो 6 इधर और 6 इधर, अपन इनको इधर से लिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 किधर से भी लिखिए, ये यहीं का यहीं है, जी में कोई परिवर्तन नहीं आया। इधर से लिखते अपन तब भी जी वहीं आ रहा है, अपन उल्टा लिख दिया तब भी जी वहीं आ रहा है, तो क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 20वां कौन सा होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। कंप्लीट है। अगला प्रश्न देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से लिखा जाए तो बाएं से 13वां वर्ण कौन सा होगा। चलो देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से लिखा जाए, यानी एबीसीडी को पूरे को अपन, पहले तो अर्धांश लिखा था इसने प्रथम वाला, अब पूरे के पूरे को इधर से लिख रहे हैं अपन, ए बी सी डी इधर से अपन इसको लिख रहे हैं, लिखा जाए प्रथम अर्धांश, सॉरी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से लिखा जाए तो बाएं से 13वां कौन सा होगा। इधर से लिखेंगे अपन पूरा का पूरा, तो इधर से पूछ रहा है इधर से 13वां कौन सा होगा, तो इधर से 13वां कौन सा है, इधर से 13वां कौन सा है, तो 13वां, अब देखिए इधर से 13वां ज्ञात करने के लिए अपन को इधर से 13वां निकालेंगे, तो 13 13 26 वाले लाने कितने करने अपन को, 27 करने, तो फिर इधर से कौन सा आ जाएगा, 14वें नंबर का जो आ जाएगा, 14 पे क्या आता है आप भी जानते हो, यन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यन इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं, यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो तीसरा वर्ण होगा। द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख, द्वितीय अर्धांश कहाँ शुरू होता है, एन से शुरू होता है, एन से जेड तक, उल्टा कैसे लिखेंगे अपन इसको, एन से इधर से लिखेंगे अपन जेड तक, यानी जेड की तरफ से लिखेंगे, लिखा जाए तो तीसरा वर्ण कौन सा होगा। उल्टा लिखने के बाद तीसरा, इधर से लिख रहे हैं अपन उल्टा, इधर से लिखा अपन, इधर से तीसरा कौन सा होगा, पहले पे जेड वाई और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तीसरा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी 24 वाला आ जाएगा। सर ये तो आप लिख के बता रहे हो, इसे बताओ आप, तो ये इधर से 27 है, तो 27 में से 3 ज्ञात कर लो आप, 27 माइनस 3 बचेगा कितना, 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है अपने लिए, पूरे 9 प्रश्न मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अगर आपको इनसे जुड़ी हुई कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे वाले नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से जमाइए, यानी डिक्शनरी में जैसे अपन शब्द ढूंढते हैं तो किस तरह से जमे होते हैं, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से इनको जमाने हैं। जो प्रश्न आएगा उसमें 4 या 5 6 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, उनको सीरियल में जमाना है, क्रम में जमाना है, किस तरह से जमाना है, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से उनको जमाना है। तो जैसे मान लो कि एक प्रश्न ये मिल जाएगा, फिर इसी कंटेंट लिख करके फिर दूसरा प्रश्न मिल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे प्रश्न मिलते हैं। चलिए मैं पहला प्रश्न कर देता हूँ यहाँ पर, जो विनोद लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्न में अपन क्या करेंगे, अगर जो लेटर हैं, पहले आप फर्स्ट लेटर को देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लेटर क्या है, उस फर्स्ट लेटर को देखते हुए, फर्स्ट लेटर जो है आपका ये फर्स्ट लेटर हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर हैं, इस फर्स्ट लेटर में आपको समान वी वी मिल रहा है, तो आप सबके पहले वी वी लिख देंगे, वी 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 वी। उसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे, क्या सेकेंड लेटर भी सेम मिल रहा है, तो बिल्कुल आप सेकेंड लेटर भी सेम सेम लिख देंगे जो लिखा हुआ है।
उसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लेटर को देखते हैं अपन। थर्ड लेटर सब में अलग अलग हैं, इसमें सी है, इसमें वी है, इसमें के है, इसमें एन है, तो इन तीनों को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखना है आपको। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सी है, यानी तीन आता है, तो सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पर सी। उसके बाद तीन के बाद क्या आता है, तीन के बाद ग्यारह आता है, ग्यारह यानी के आएगा, तो फिर क्या रखेंगे आप यहाँ पर, के रखेंगे यानी ग्यारह रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। एन कितने नंबर पर है, चौदह नंबर पर, एन यहाँ पर आ जाएगा। एन आने के बाद यहाँ पर लास्ट में बचेगा वी आ जाएगा। देखिए साथियों, चारों अलग अलग आ गए हैं, तो यहीं से आपका पूरा सेटअप हो गया, बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप बस ये कर दो, सी वाले एप्लीकेशन, सी वाली स्पेलिंग कौन सी है, सी के वाई, तो इसको कंप्लीट कर दो यहाँ पर। उसके बाद वी वाली कौन सी है, ये वी ई के। उसके बाद एन वाली कौन सी है, ओ डी। उसके बाद के वाली कौन सी है, के ए एस एच, ये हो गया। इसके बाद इनके लेटर्स, इनको आप रख दें, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, पहले पे आएगा विक्की, ठीक है। दूसरे पे कौन सा आ रहा है, विकास जो आ रहा है, ये विकास रहा है, दूसरे पे आया है, ठीक है। उसके बाद जो विनोद है वो कौन से पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है। उसके बाद चौथे पर कौन सा आया, विवेक आया। चौथे पर कौन सा आया, विवेक आया। तो यहाँ पर आपको प्रश्न इस तरफ से मिलते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे मान लो कि ये विनोद है, विनोद का कौन सा है, पहला, तो इसे लिखा होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्या इस तरह से आएंगे या फिर ऐसे आएंगे, भाई चौथा पहले, तीसरा बाद में, फिर पहला, फिर दूसरा, या फिर ऐसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, ऐसे आपको चार ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो मैं आपको क्रम से ही मिले, जैसे आप लिखो उनको आप वहाँ पर बता देना। उसी तरह से डन डोर, डोर में देख लें आप यहाँ पर, इसमें क्या आएगा, इसमें भी देखें ये लिखा हुआ है डन डू डोर डॉग, तो यहाँ पर दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन हैं। तीसरे लेटर पर आप जाएंगे, तीसरा लेटर इसमें ख़त्म है, पहले वाले में इसमें है ही नहीं कोई, तो पहले पे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ रहा है तीसरा लेटर कौन सा है, यन आ रहा है, ओ आ रहा है और जी आ रहा है, तो इन सबसे पहले क्या आता है, सब में पहले जी आता है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका बनेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले ए बी सी और डी, ये हैं डन, ये हैं डू, ये हैं डोर और ये हैं डॉग। तो इनका किस तरह से बनेगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर डी 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 और डी, तो सबसे पहले अगला लेटर कौन है, सब में ओ ओ है, तो ओ भी कॉमन आ जाएगा सभी में, सभी में ओ कॉमन आ गया है, ठीक है, यहाँ पर ओ कंप्लीट है। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो दूसरे वाले में तो है ही नहीं, तो इधर डू कंप्लीट हो गया, तो अब तीसरा वाला देखो, एन है, ओ है, जी है, तो पहले क्या आता है, जी आता है, तो ये इसमें जी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर ओ और है, तो ये आ जाएगा, ये और हो गया, और यहाँ पर डी ओ एन ई आ जाएगा, डॉग हो गया। तो देख लो आप कौन सा आ रहा है, कौन से पहले पे आ रहा है, उस हिसाब से आप इनको रख देना, यही यहाँ पर करना है और यही यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। टाइप थर्ड देखते हैं अपन, जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड है अपना, दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें यहाँ पर भी वही स्थान है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। दिए गए शब्द आपको दिए गए हैं, पोस्ट मास्टर दिया हुआ है, पुलिस दिया हुआ है, रेलवेज दिया हुआ है, कोरोना दिया हुआ है, इंजॉय दिया हुआ है, दिनेश दिया गया है, तो इनमें किस तरह से देखना है, कोई भी लेटर आपको दिया गया है उसको आप रख सकते हैं। मैं इंजॉय रख देता हूँ यहाँ पर, इंजॉय ए एन जे ओ वाई। सॉल्व कैसे करना है इनको, इनको सॉल्व करने का ये रहेगा, इधर से और इधर से आपको ए बी सी डी बोलनी है पूरी की पूरी, जो लेटर दिया हुआ वहाँ से, ई दिया हुआ है तो ई के आगे बोलना है, ई एफ जी एच, ऐसे ये देखो यहाँ पर ई एफ जी एच आई मिला क्या, जो बोल रहे हैं, जो मैंने बोला ई एफ, अगर यहाँ पर एफ होता तो एक जोड़ा मिल जाता, ई एफ जी अगर यहाँ पर जी होता तो एक जोड़ा मिल जाता, ई एफ जी एच अगर यहाँ पर एच होता तो एक जोड़ा मिल जाता, ई एफ जी एच आई अगर यहाँ पर आया तो एक जोड़ा मिल जाता, इस तरह से ई हो गया। इसमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एन से देखते हैं, एन ओ पी, अगर ये ओ यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता तो एक जोड़ा मिल जाता, लेकिन ये यहाँ पर है तो नहीं मिला। एन ओ पी क्यू, अगर यहाँ पर पी या क्यू होता तो मिल जाता, ऐसा नहीं है। तो आगे चलते हैं, जे के एल नहीं मिला, ओ पी नहीं मिला, इधर से तो अपन को एक भी नहीं मिला, वाई का तो कोई मिलेगा ही नहीं। इधर से चलते हैं, एक्स वाई जेड, अब आगे क्या बोले सर, आगे एबीसीडी नहीं आती, आती हैं जेड, ये सॉरी वाई जेड ए बी सी, वापस रिपीट करनी है आपको, मिला क्या, नहीं मिला। चलो देखते हैं, ओ पी क्यू आर नहीं मिला, जो बोल रहे हैं वो लेटर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको जोड़ा माना जाएगा।
जे के यल नहीं मिला, यन और नहीं मिला, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर पुलिस में देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंजॉयमेंट कोई नहीं मिला तो इसका आ जाएगा जीरो। अपन देखते हैं रेलवेज में देख लेते हैं, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई और ये यस रेलवेज। इसमें अपन इधर से देखते हैं, पहले आर की तरफ से बाएं से फिर दाएं से, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई मिला क्या? एक बार और चेक कर लो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, आई जे के एल एम एन नहीं मिला, एल आ गया, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला, डब्ल्यू एक्स और वाई देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक जोड़ा आपको मिल रहा है, कौन सा एक जोड़ा आप लिख लेंगे यहाँ पर? डब्ल्यू वाई का, डब्ल्यू एक्स वाई मिल रहा है ना आपको, डब्ल्यू एक्स वाई एक जोड़ा मिल गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है नहीं मिला, ए बी सी वाई जेड नहीं मिला। इधर से देखते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू, अगर ये डब्ल्यू यहाँ होता, यहाँ की जगह यहाँ होता तो एक जोड़ा फिर बन जाता, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, वाई जेड ए बी सी डी ई नहीं मिला, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं मिला, एल एम एन ओ नहीं मिला, आई जे के नहीं मिला, ए बी सी नहीं मिला। तो इसमें कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा है, जोड़ा कौन सा है? डब्ल्यू वाई, ये इसे हो गया। कोरोना को निकाल सकते हैं आप, कोरोना का देख लें सर, कोरोना लिया आप उठा के क्या वर्ड ढूंढते हो क्या? ये कोरोना, तो इसमें इधर से देखते हैं यहाँ पर कोरोना की बात करते हैं, तो अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है, इसके बाद आर एस टी नहीं है, ओ पी क्यू नहीं है, एन ओ नहीं है। इधर से देखो ए बी सी डी ई एफ नहीं है, एन ओ एक जोड़ा आपको यहाँ पर मिल गया, एन ओ कंटिन्यू आ रहा है, तो एक जोड़ा अपना क्या हो गया? एन ओ पी एन ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर आर एस टी, तो यहाँ पर एक जोड़ा आपको मिल जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? एक जोड़ा यहाँ पर मिल गया। इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न आज मैंने और भी लेटर आप लेकर के इनको हिसाब से आप सीख लें।